ऐसा लगता है, लेकिन अब हम लोग उसको एक अलग से कमेटी बना के देखेंगे, उसका सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव जा रहा है, तो उस आलोक में हम लोग गोलागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बने वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। विगत कुछ दिन पहले यानी 4 से 5 दिन पहले शमशान में घमासान, शमशान में लकड़ी में लूट, यह खबर से प्रकाशित भोजपुरिया समाचार एगो खबर चले ले रहे, जेकरा बाद अब बक्सर के SDM के उपाध्याय के बयान आ चुकल बटुए। SDM साहब कहले बानी कि लकड़ी बेचे वाला लोग के अब मानक तय हुई, सरकारी रेट तय हुई, एकरा खातिर लकड़ी के अलग से व्यवस्था कर ली, अगर स्टोर रूम संभव हुई तो स्टोर रूम तय कर ली। बता दी कि कुछ दिन पहले लकड़ी के रेट के लेके काफ़ी माथा पेची चौगाई के लोग के साथ भइल रहे, कुछ लोग चौगाई के शमशान घाट पैल रहन दाह संस्कार खातिर, जवन लकड़ी के सरकारी रेट 4500 रुपये क्विंटल देवदार के लकड़ी के रहे, ओकर 10000 रुपये क्विंटल ले लिहल गई। एक बाद बात बढ़ गई, बहस हो गई, इस सारा कुछ भोजपुरिया समाचार सुनाई रूरा खबर के अंत तक देखी। SDM साहब यह बिंदु पर का कहनी, SDM साहब के भी बयान आ गई बा, हाई लेवल मीटिंग हुई, एक अलग से रेट तय कर जाए आ इस तरह से मनमाना कार्य ना हो। बता दी कि लगातार एक खबर पे भोजपुरिया समाचार के पैनी नजर बा, भोजपुरिया समाचार ही खबर चले ले रहे, जेकरा पे बक्सर SDM के उपाध्याय संज्ञान ले ले बानी, एकरा बाद के उपाध्याय कहले बानी कि एगो मीटिंग हुई, साथे साथ एगो अलग सरकारी रेट तय हुई, सरकारी रेट के अनुसार ही ई अब एकर संचालन हुई, साथे साथ देख सकीला कवना तरीका से रूरा सामने आई दिखी, अभी सारा खबर दूध के दूध पानी के हो जाई, कवना तरीका से ई लोग मनमाना रेट पर, जब रेट पूछता ग्राहक एगो जो चौगाई के ग्राहक रहन, रेट पूछलन तो ई रेट बतावे से मना कर दिया लोग, कैमरा के छीने के प्रयास के लोग, सारा कुछ देखी भोजपुरिया समाचार पे लगातार कवरेज, संज्ञान ले लेने के उपाध्याय SDM साहब, अब लगातार ये लोग पर कार्रवाई हो खलता है बटुए, बड़ा खबर भोजपुरिया समाचार के तरफ से मिल रहा बटुए, आ रहा बटुए, एक और वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी के माध्यम से ये खबर आई बटुए, ये लोग मनमाना रेट पे लकड़ी बेचत रहन, एक भोजपुरिया समाचार खबर चले रहे जिसमें बतैले रहे कि कैसे गरीब के लोग एजा जाके अपन दाह संस्कार कर पाई हैं, जब रेट औने के पौने दाम लिहल जाए, रेट जेकर 4500 रुपये क्विंटल देवदार के लकड़ी के दाम बा, वो 10000 रुपये क्विंटल लिहल गई, आ बात कैला पर रेट पूछला पर कैमरा तक छीन लिहल गई, सारा कुछ रूरा सब भोजपुरिया समाचार पर देखब, एक बाद SDM के उपाध्याय साहब के भी बयान सुनब, अब कि का कार्रवाई होके जा रहा बा ऐसा मनमाना रेट पर बेचे वाला लोग के विरुद्ध, भोजपुरिया समाचार उरा देखत रही अंत तक खबर देखी सुन मत रुआ ना पूछ लेगा गर्दन कटो मकर तू गर्दन अरे 200 रुपये महंगा सस्ता होला हो भैया तनी चल के लकड़ी दल बड़ा तू भैया तनी घबरात न काय करना हमें घबरात नहीं बात सुनो कौन सी बात सुनी कौन सी बात सुनी हो तू जो सामान कौन बेचे दूसरा कौन सामान बेचे ला कोई ता सामान बढ़िया वाला दूसरा को महंगा दे बनू अच्छा हो ले कर देबो 4000 के देबो कौन सी हम कौन सी बात सुनी तो कैसे बता रेट बताओ ना कैसे बता रहे 4000 के बा कैसे दे हमरा कैसे दे हाँ हाँ बताओ हमरा कैसे दे कैसे दे हमरा कैसे दे देवदार के लकड़ी कैसे दे हमरा के बताओ कैसे मन दे कैसे मन दे बोला कैसे मन दे कैसे मन दे पैसा लेबू हमरा भैया रुआ हमरा कैसे कैरेट के दिलबनी हमरा के बताओ ले ब्रो बताई ना हमरा के त इया कब क्या दिक्कत है इया के बता ना हमरा की बता दे हमरा के देला सरकार के जो रउवा का रेट के हमरा के देले बनी वही बताई हमरा का रेट के रउवा देले बनी बताओ बताओ क्या लिखे रउवा हमरा नहीं क्या 1800 रुपये के रेट बा अरे 1 रुपये के रेट बा ना भैया 1800 रुपये के रेट बा ना ना तू बताइबा नु कैसे के कैसे बड़े होते के लिए
मोबाइल पर हाथ बिकल मोबाइल पर हाथ ना बिकल जला राउर बढ़िया बा तो 10 रुपया नु हमरा से रेट ले बोल 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 कैसे बात देवदार के लकड़ी का कैसे बात देवदार के लकड़ी रेट रुआ के बात कौन सी बात कैसे बात क्वालिटी के देवदार क्वालिटी में का बा कौन क्वालिटी बा तू बताओ आग लगाओते लगाओ तरल अरे तू बताओ ना बताओ तो बताओ का रेट बा का रेट बा का रेट बा कोई क्वालिटी के का रेट बा भैन रेट बताओ कोई 50 गो क्वालिटी बा कोई गो बा रेट बताओ हम नहीं की देखले तो गर्दन कटबा का लोग भी ना देखनी ना नहीं की देखले रेट बताओ नहीं की देखले गर्दन कटबा मुक्तिधाम में ये कई बार शिकायतें मिलती रहती हैं कि लोगों से जो दाम है लकड़ी का उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने भी और मैंने भी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से कहा था कि उसका दाम निर्धारित कर दें, लेकिन उन्होंने निर्धारित किया लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है ऐसा लगता है। लेकिन अब हम लोग उसको एक अलग से कमेटी बना के देखेंगे, उसका सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव जा रहा है तो उस आलोक में हम लोग देखेंगे कि वहाँ कहाँ कहाँ लकड़ी रखने की व्यवस्था हो सकती है और सरकारी स्तर पर उसकी बिक्री कैसे हो सकती है, या सरकारी स्तर पर नहीं हो सकती है तो उसका हम लोग कमेटी बना के बिक्री करने का और उसका दर निर्धारित करके 3-3 महीने का में लकड़ी कितना कितना रेट में बिकेगी, कौन कौन सी लकड़ी, उसका हम लोग दर निर्धारित करके और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये जल्दी ही हम लोग एक बैठक करने वाले हैं कोरोना को लेकर।